अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नाइला मुनाफ। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं बर्फ़ी। ये ड्राई मिल्क है और बहुत मज़े की ये बनती है। ये एप्पल बर्फ़ी है और बहुत एक्सपेंसिव भी ये मिलती है, और इसलिए हम इसे घर ट्राई कर रहे हैं ताकि आप भी बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ड्राई मिल्क है, ये 1.5 कप मैंने लिया है, 1/2 कप बाद में लूँगी ये वाला, ठीक है। इसमें ये 1/2 कप मैंने चीनी ली है। ये इसके तो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाद में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये मैंने कप में चीनी डाली है और इसी कप से मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको पकाती हूँ अच्छे से। तो आप इसको साथ साथ चम्मच चलाती जाएं। अच्छा अभी बस ये देखें, अब इसमें बबल्स आ रहे हैं। ये हमने सिर्फ एक तार रखनी है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना। आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके आने वाली। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, एक तार पे आ गई है। इस तरह करके इसको चेक कर लेंगे, देखें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल हल्की आंच करके मैं इसमें डालूँगी ये दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसमें लम्प्स ना बने। फौरन आप इसको साथ चलाते जाएं। ये मैंने 1 कप डाला है और ये 1/2 कप है, 1.5 कप मैंने इसमें डाला है। अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा अभी बस ये देखें, ये इस शेप में आ गए, इस शक्ल में। अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। जब थोड़ा सा थिक होगा तो इसमें मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। अगर घी है, आप घी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ, सिंपल सी। अभी बस ये देखें, ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि ये शाइन पकड़े। ये देखें, अब इसने ये फ्राई पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। इसको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए। आप इसमें देसी घी, डालडा घी, जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ ये केसर वाला दूध ताकि ये थोड़ा सा कलर हो जाए एप्पल की तरह का।
इसको मुसलसल आपने चलाते जाना है ताकि नीचे से ना लगे। इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे बस, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें डो की तरह बनना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि हाथ में हम इसको पकड़ सकें, इतना भी गर्म ना हो कि हाथ में ना पकड़ा जाए इसको शेप देने के लिए। ये मैं 2 से 3 मिनट अब और पकाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स देखें, मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं गर्म फ्राई पैन है इसलिए इसको अभी मैं 2 से 3 मिनट ऐसे चलाऊंगी, और इसके बाद फिर हम इसके आमला जितना होता है ना उस तरह के बोल बनाएंगे। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये इतना ठंडा हो गया कि अब मैं इसको हाथ में ले सकती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये जमना शुरू हो जाएगा, ये फिर हमारा एप्पल जो है ना वो तैयार नहीं होगा। इसको इस तरह लेके गोल करके इसको हम फिर एप्पल की तरह ये शेप दे लेंगे। पाकिस्तान में नहीं है, मुझे पता कि ये वहाँ से मिलती है कि नहीं ही, पर ये यहाँ से ज़रूर इंग्लैंड में ये ज़रूर मिलती है। इसको ऐसे शेप दे लें, ये देखें। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि मिल्क तो 2-3 किस्मों के मिलते हैं, ठीक है। एक मिल्क मिलता है जिससे हम गुलाब जामुन बनाते हैं, ये उससे नहीं बनाना, ये दूसरे मिल्क से बनाना है, ठीक है। ये अंगूठे की मदद से आप इसको ऐसे गोल गोल शेप दे दें, ये देखें। अब इसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर लें, अच्छा व्यूअर्स ये देखें। ये अब गरम गरम कोई हमने कलर करना है, ये आप ब्रश से भी कर सकते हैं और हाथों से भी, इस तरह टिश्यू लेके, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कलर हमने सिर्फ नीचे रखना है, ऊपर नहीं ज़्यादा करना, ठीक है। ये देखें इस तरह रख के, ये लॉन्ग है, इसको हमने ऐसे लगाना है एक को, उसमें जो डंडी होती है, ठीक है। और साथ हम लगा देंगे इसके ये पिस्सा, जो उसका फ्लावर एक होता है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, अच्छा व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के ये हमारे एप्पल बर्फी तैयार हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं, सब बहुत शौक से खाएंगे। ये देखें ये जो छोटे एप्पल होते हैं ना, ये उस वो हैं। तो जाते जाते और जाते जाते हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं बना सकते, इसलिए आप हमेशा अपना, अपने हमसायों का, दोस्तों का, सबका ख्याल करें और सबको ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी और आने वाली नई वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।